दहेज के लिए आए दिन कहीं न कहीं महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले सामने आ ही रहे हैं। दहेज लोभी ससुराल जल महिलाओं की हत्या की वारदातों को भी अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला कोतवाली बागपत इलाके का है, जहां दहेज उत्पीड़न के मामले में काउंसलिंग के लिए महिला थाने जा रही थी, जहां एक लड़की और उसके भाई पर तेजाब से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि दहेज लोभी ससुराल वालों ने ही उस पर हमला किया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने तेजाब से झूलते भाई बहन को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है और पुलिस अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के करहबल नगर में रहने वाली लड़की देविका की शादी एक साल पहले बागपत जिले के चांदी नगर थाना क्षेत्र के भेड़ापुर गांव के रहने वाले भीष्म सिंह के लड़के मिथुन के साथ हुई थी। मायके वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में काफी दान भी दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल के लोग कम दहेज लाने की बात कहकर उसे प्रताड़ित करने लगे थे। पति आए दिन उसके साथ मारपीट किया करता था, जिसके चलते पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। आज जब उसका भाई सचिन पीड़िता के साथ काउंसलिंग के लिए दिल्ली से बागपत के महिला थाने आ रहा था, तभी दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कोतवाली बागपत क्षेत्र के पाली गांव के पास एक स्विफ्ट कार में सवार चार लोगों ने उसकी कार को रोक लिया और दोनों के ऊपर तेजाब मुंडेल कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। तेजाब के हमले से बुरी तरह से झुलसे भाई बहन को मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। वहीं सीओ बागपत ओमपाल सिंह का कहना है कि दूसरे पक्ष को भी थाने बुलाया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच के बाद ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका गिरने घटना हुई है, किस तरह घटना हुई है, कौन लोग थे, कहां जा रहे थे, कहां जा रहे थे, क्या पूरा मामला है? वो हमने मतलब शादी से दहेज की मांग की जा रही है तो दहेज का केस डाल रखा है, तो वो मतलब केस वापस लेने के लिए बोल रहे। मेरे ससुराल वाले थे, चार जने थे आए उतरे, उन्होंने मतलब एक ने तो मेरे भाई को पकड़ लिया और मिथुन ने मेरे को मतलब मार पीट भी करी है, ऊपर तेजाब भी डाला है। कहाँ के कार कहाँ तक पहुँचा? यहाँ पाली के आसपास ही। 100 नंबर कई बार ट्राई किया, 100 नंबर नहीं मिला। स्विफ्ट गाड़ी थी। तो आप जो मेला थाने आ रहे थे? हाँ, मेला थाने हम तारीख पे आ रहे थे, आज तारीख थी हमारी, मैं और मेरा छोटा भाई। अच्छा सचिन जी, तेजाब फेंकने वाला कुछ मामला सामने है, क्या मामला है, बुरा कौन लोग थे और कहाँ जा रहे थे? हमने महिला थाने आज बागपत में शिकायत पत्र दे रखा, अभी शिकायत दी थी लिखित में, तो वहाँ पर जा रहे हैं आज तारीख थी संडे, वहाँ पर जा रहे थे तो उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई, रुकवा के, तो मेरी बहन प्रियंका है, एक ने उसने मारा मेरा जीजा मिथुन, उसने उसका कब गला पकड़ा पकड़ी और एक ने मैं पकड़ा और तेजाब फेंक दिया। चार थे, हाँ 100 डायल करा, मैं 100 डायल करा, बोले अब तक नहीं मिला। दहेज मांगते हैं वो, इसी वजह से हमने वो करा। अब फैसले के लिए बोल रहे हैं, हमने बोले फैसले नहीं, अब हम तो अपना केस ही करेंगे का मामला है। और ये लोग बेड़ापुर के रहने वाले हैं, वहाँ से प्रियंका नाम की लड़की ये अपने परिजनों के साथ परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग चल रही है इनकी, उसमें आ रही थी और इसने सूचना दी कि मेरे ऊपर जो है एसिड फेंका गया है, तो तत्काल वहाँ पुलिस पहुँची और पुलिस ने जो है तुरंत अस्पताल पहुँचवाया। इसका जो पति है, पति पे आरोप लगा रही है, वो भी परिवार परामर्श केंद्र में पहले से बैठा हुआ था, वहाँ हमारे एडिशनल साहब और महिला SO काउंसलिंग में बैठे थे, तभी ये सूचना मिली है, उनकी ट्रीटमेंट हो रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ पता लगा तेजाब फेंकने वाले कौन लोग थे? हाँ, तेजाब जो आरोप लगा रही है बच्ची, ये अपने पति पर आरोप लगा रही है, उसका पति और उसके परिजन जो है साथ में थे, और इसका एक हाथ और एक पैर जला है, साथ में इसका भाई था, उसके पैर पे भी एसिड पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ दिशा निर्देश हैं कि हर गांव हर ब्लॉक के लेखपाल आवारा पशुओं पर नियंत्रण लगाएंगे, साथ ही हर गांव
हर ब्लॉक में गौशाला का निर्माण किया जाएगा, लेकिन प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। यहां आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने तंग आकर 300 की तादाद में आवारा पशुओं को पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बंद कर ताला जड़ दिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का हंगामे की खबर लगते ही डायल 100 मौके पर पहुंच गई। वहीं ग्रामीणों अपने मांगों को पूरा करवाने के लिए जिलाधिकारी और एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जिस दौरान काफी संख्या में ग्रामीणों ने शहरी अधिकारियों पर इल्जाम लगाए। को लेके समस्या है, पूरी तरह से फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। शासनादेश रोज पेपर में पढ़ने को मिलता है, रोज टीवी में पढ़ने को मिलता है, मैसेज आता है, लेकिन रिजल्ट के नाम पे कुछ भी नहीं होता। हम लोग पूरे ग्रामवासी ये संकल्पबद्ध हुए हैं कि रिजल्ट चाहे जो हो जाए, लेकिन ये जानवर यहाँ से खुलेंगे नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं प्रेजेंट क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। सर यहाँ पर क्या चल रहा है? जानवरों की धरपकड़ चल रही है, जानवरों को बहुत परेशानी है। जैसा कि समाचार से अवगत कराया गया है कि प्रधान न्यायाधीश को निर्देशित किया गया है कि यहाँ से जानवरों को पकड़ के कहीं जो गौशाला या कानी हाउस बनी है उसमें शिफ्ट कराया जाए, लेकिन पता करने पर यह पता चल रहा है कि पूरे प्रतापगढ़ में किसी गौशाला में कोई जगह खाली नहीं है और किसान त्रस्त है, त्रस्त होकर जानवरों को इकट्ठा करके प्राइमरी विद्यालय सारे गांव में गौशाला बनने के सरकार के निर्देश से 33 करोड़ रुपए भी आज के एक हफ्ता पहले आए हैं और गौशाला निर्माण नहीं चल रहा है, क्या कहना है? हो सकता है आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं आई है कि गौशाला निर्माण सिंघली ग्राम सभा में होना है और न तो अभी कोई कार्य ही यहाँ पे चल रहा है। क्या नाम है, किस पद पर है आप? मैं प्रधानपति सिंह ने प्रभाकर सिंह। हमीरपुर ताऊ ने बनाया अपनी 7 वर्षीय सगी भतीजी को हवस का शिकार, मासूम छात्रा से कई महीने करता रहा रेप। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज फिर रिश्ते कलंकित हो गए, जहां कलयुग की ताऊ अपनी ही नाबालिग भतीजी को कई दिनों तक अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। जब कल लड़की अपने स्कूल पहुंची तो बीमार हो गई। जब स्कूल की बाडन ने उससे बात की तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। बाडन ने पुलिस को इस पूरे यौन शोषण की कहानी सुनाई तो पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर पीड़ित छात्रा को मेडिकल के लिए भेजते हुए आरोपी ताऊ की तलाश शुरू कर दी। मामला हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के एक आवासीय स्कूल का है, जहां पर 7 वर्षीय नाबालिग लड़की स्कूल पहुंचकर बीमार हो गई। जब उसकी बीमारी स्कूल की बाडन ने देखी तो उसे पूरा मामला समझ में आ गया। उसने लड़की से पूरी जानकारी ली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 1 साल से छात्रा के साथ उसके ताऊ द्वारा किए जा रहे यौन उत्पीड़न के खिलाफ उसने पुलिस को पूरा मामला बताया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 7 वर्षीय छात्रा के साथ 1 साल से हो रहे यौन शोषण के खिलाफ जब स्कूल की बाडन ने शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित छात्रा को मेडिकल के लिए भेजते हुए उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपी ताऊ को गिरफ्तार करने के लिए दावे से दे रही है। नवपास की बच्चा जब बालिका विद्यालय में आई उसकी हालत सही नहीं थी, उसको उल्टियां और शरीर के निचले हिस्से में काफी दर्द था। जब उससे हम लोगों ने अकेले में पूछा तो उसने अपने ताऊ जी के द्वारा किए गए कर्मों को विस्तार से बताया। फिर उसकी सूचना हमने अपने उच्च अधिकारियों को दी, जिनकी सहायता से थाने में हमने कंप्लेन लिखवाई और वहां से उसका मेडिकल चेकअप। इनके पिताजी है नहीं और माँ है, वो बाहर काम करती है, तो ये
रखी थी और ये मामला अभी प्रकाश में आया कि ये व्यक्ति उनका शारीरिक शोषण करीब एक साल से कर रहे थे, बताया गया है। इसमें आगे जांच की जा रही है और जो भी विधिक प्रक्रिया के अनुसार इसमें कार्रवाई की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी सुन चुकी है। मेरठ में पलायन का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी होने लगी है। मेरठ में पलायन मुद्दे को लेकर मेरठ पहुंची साध्वी प्राची ने पूरे इलाके का दौरा किया, यहां के कई परिवारों से बातचीत कर वास्तविक स्थिति जानी। इसके बाद खास बातचीत करते हुए साध्वी ने प्रहलाद नगर के अलावा पूरे मेरठ के कई हिंदू इलाकों से 3600 परिवारों के पलायन की बात कही और प्रहलाद नगर पलायन मुद्दे पर प्रशासन की लापरवाही बरतते हुए सीएम योगी को स्थिति से अवगत करवा कर शिकायत करने की भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने मंदिर तोड़े जाने और झारखंड में मॉब लिंचिंग के बाद प्रदर्शन के रूप में बवाल करने और नुसरत जहां के सिंदूर लगाने पर उलेमाओं द्वारा फतवी जारी करने पर भी चर्चा की। मेरठ प्रहलाद नगर प्लान मुद्दे पर पहुंची साध्वी प्राची ने प्रहलाद नगर इलाके का दौरा किया, स्थानीय लोगों से बात की और कहा कि यहां प्लान हुआ है जबकि यहां का प्रशासन पलायन की बात को दबाते हुए अपनी लापरवाही छुपा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को गलत रिपोर्ट दी गई है कि पलायन नहीं हुआ। साध्वी का कहना है कि योगी जी से मिलकर टीम द्वारा कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। वहीं साध्वी ने मॉब लिंचिंग पर बोलते हुए कहा कि कई बार हिंदू भी मरे हैं, अब मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? मॉब लिंचिंग में मारे गए तबरेज को उन्होंने तरबूज खरबूज कहते हुए कहा कि तरबूज खरबूज और चोर के मरने पर इतना बवाल हो रहा है जबकि बहुत से हिंदू लोग भी भीड़ का शिकार हुए हैं, क्या वे मॉब लिंचिंग नहीं थी? जो लोग इस तरह हाय हाय कर रहे हैं वे अफजाल गुरु याकूब मेमन के जनाजे में थे, इस संप्रदाय पर पूर्ण विचार होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान में कई जगह मंदिर तोड़े जाने पर बयान देते हुए कहा कि गजवाए हिंद और अल्लाह अकबर कर रहे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर 100 करोड़ हिंदू भगवाए हिंद बन जाए तो उनकी औकात पता चल जाएगी। इसके अलावा साध्वी ने बंगाल की सांसद नुसरत जहां के सिंदूर और मंगलसूत्र पर बोलते हुए कहा कि मुझे उन उलेमाओं की बुद्धि पर तरस आता है जिन्होंने एक मंगलसूत्र और चुक्की सिंदूर हजम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये गोभी बना दिया गया है, क्या ये जायज है? देखिए, ये जो पलायन की घटनाएं घटती हैं या हिंदू समाज कहीं स्थानांतरित होने की कोशिश करता है, उसका धर्मांतरण हो रहा है या लवजात के केसेज में हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो षड्यंत्र पूर्वक कुकृत हो रहे हैं, जिहादी तत्व जिस प्रकार से 6 साल की 8 साल की 5 साल की बच्ची के साथ में जो विभत्स कांड कर रहा है, इन सब घटनाओं के सम्मिलित एक परिदृश्य के रूप में और बजरंग दल ने तय किया है कि हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे और समाज में जल्दी ही हम लोग एक कुछ डाटा भी लेके आने वाले हैं जिससे कि आपको ये पता लगे कि आखिरकार ये जो लिंचिंग की जो कथित घटनाएं घट रही हैं वो वास्तव में कोई हिंदू मुस्लिम घटनाएं नहीं है, कोई ये नहीं है कोई सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और दूसरी बात, वो लिंचिंग की घटना ही नहीं है, हम ऐसी तमाम लिंचिंग की घटनाओं का भी जिक्र करेंगे जो हिंदू समाज के ऊपर घटी हैं और बड़े पैमाने पर जिहादी तत्वों ने हिंदुओं को मारा, लेकिन कुछ मीडिया के एक बड़ा वर्ग और तथाकथित सेकुलरवादी लोग इन सब चीजों से उनको दूर रखना चाहते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि उन जिहादी तत्व जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, आप देखिए भारत माता का विरोध किया उस दिन, अभी जो परसों प्रदर्शन किया था सूरत में, वहां पर जो है इस तरह के नारे लगे, भारत विरोधी नारे लगे, हिंदू विरोधी नारे लगे, तो ये सब चीजें जो है अब धीरे धीरे करके समाज की समझ में आ रही है। तो बजरंग दल ने तय किया है कि हम इन सब चीजों को समाज तक लेके जाएंगे जिससे कि इन जिहादी तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। घटना घटी रात्रि के अंधेरे में और मंदिर के ऊपर हमला किया गया और इसके बाद में उसको दुष्प्रचारित करके ये कहा गया कि सिर्फ पार्किंग का झगड़ा है, वास्तव में पार्किंग का झगड़ा ना होकर के वो हिंदुओं पर अटैक की एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था, अन्यथा तो पार्किंग के झगड़े में एक व्यक्ति के साथ में पूरी भीड़ कहां से इकट्ठी हो जाती और वो पहले पुलिस स्टेशन पर और उसके बाद में मंदिर पर अटैक क्यों करती? तो चूंकि दिल्ली का जो चांदनी चौक वाला हिस्सा है वहां पर हिंदू धीरे धीरे करके जो क्षेत्र हिंदू विहीन होता चला जा रहा है, वो एक कॉलोनी बची थी जहां पर के हिंदू कुछ मात्रा में था,
तो उसको आतंकित करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक 200-300 की संख्या में जिहादी तत्व रात्रि के अंधेरे में और मंदिर पर आक्रमण करते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं और मंदिर को अपवित्र करते हैं। इस घटना के बाद में जिस तरह से अभी जो कल परसों में जिहादी तत्वों ने देशव्यापी प्रदर्शन किया कथित लिंचिंग की घटनाओं को लेकर के, जबकि वास्तव में वो लिंचिंग की सारी झूठी मनगणंत कहानियां थी, उन मनगणंत कहानियों को गढ़ करके और अनावश्यक रूप से हिंदू समाज को एक कटघरे में खड़ा करने का प्रयास वो कर रहे थे, हिंदू समाज को बदनाम करने का और देश की संस्कृति को बदनाम करने का जो कुछ षड्यंत्र उन्होंने रचा उसके तहत उन्होंने देशव्यापी प्रदर्शन किए। उन प्रदर्शनों में पूरे देश ने देखा कि सूरत में क्या हाल। जहरीला कीड़ा काटने की वजह से 16 साल के मासूम की मौत। रामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर में एक 16 साल के मासूम की उस वक्त मौत हो गई जब मासूम को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। जिसकी सूचना परिजनों को प्राप्त हुई तो परिजनों ने ढाबे पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि उसके बच्चे को होटल संचालक ने जबीला जहरीला पदार्थ खिलाकर उसे मौत के घाट उतारा है। मामला मोहनपुरा के हिंदुस्तान पुलिस ढाबे का है, जहां पर 16 साल का मासूम निवासी ग्राम लखमा नगला राजेंद्र पुत्र सुखराम लगभग पिछले 4 साल से काम कर रहा था। आज अचानक सुबह करीब 9 बजे बच्चे को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। होटल का कार्य कर रहे दूसरे बच्चे ने बताया वह कैंटीन के सामान को लेने अंदर गया था, जहां उसे एक सांप ने काट लिया और वहां वहीं बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद पहुंचे होटल संचालक ने जब उसे मालूम किया तो उसने बताया कि उसे किसी चीज ने काटा है और बहुत तेज चित्रहट हो रही है, लेकिन कुछ ही समय बाद मासूम की मौत हो गई। लेकिन होटल संचालक ने इसकी सूचना परिजनों को नहीं दी। शाम 4 बजे जब उसकी सूचना परिजनों को हुई तो उन्होंने ढाबे पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और होटल संचालक पर आरोप लगाया कि उसने मासूम को जहरीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतार दिया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। थाना टांडा के उप प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बच्चे की मौत की सूचना मिली है, किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, जिसका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अच्छा मोइन, क्या हुआ था सुबह इस बच्चे को सांप ने काटा? यहाँ पर ये कैंटीन में गया था बिस्किट लेना, चाय के लिए। तो ये कैंटीन में गया, फिर ये नहीं है इसके भाई किसने काटा और ये अंदर जाकर बैठ गया। इसने बताया नहीं, ना हमें बताया ना कारीगर को। ये अंदर जाकर बैठ गया भाई, 10-15 मिनट तक बैठा रहा ये अंदर। इसने किसी को कुछ नहीं बताया, फिर हम वहाँ बैठे। फिर हमारे पास एक आदमी और काम करता था, वो जा रहा था अपने घर को। फिर उसने ऐसे बेकार होते हुए उन्हें कहा यार कारीगर ये रो रहा है। तो उसने देखा, फिर हम गए उठ के, तो मैंने देखा तो इसके पांव में से खून निकल गया था। तो मैंने कारीगर को बुलाया, खून निकल गया था कारीगर को बुलाया। फिर मैंने कारीगर कहना, फिर कारीगर ने वो भी बांधा, इसके बांधते हैं। फिर नमक तेल भी, नमक मिर्च भी लगाया। फिर कारीगर को लेकर चले बाइक पर, लेकर चले। सांप किसने देखा था? सांप, हाँ सांप देखा था मैंने। कहाँ है सांप को? सांप तो वो ले गया सपेरा पकड़ कर। अच्छा, सपेरे को बुलाया था किसी ने? नहीं, वो दो लौंडे आए थे, वो यहीं खड़े। अच्छा, तो तुम भी इसी होटल पर काम करते हो? हमारा खुद का होटल है। तो इसकी मौत हो गई है? कब से काम करता था? 3-4 साल इस होटल पर काम करते हुए। बच्चे की मौत हुई है, क्या है मामला? सूचना पे होटल हिंदुस्तान पर आया, दौरा चल रहा है, किसी दूसरे जानवर ने काट रहा है और बच्चा मृत है। ये तो इसका होटल मालिक का नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी सही जानकारी के लिए पीएम कराया जा रहा है। बच्चा कहाँ का बताया जा रहा है? ये राजेंद्र है, राजेंद्र बापा नाम सुखराम लखपत नंगला, लखमन नंगला है जी।